ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, अर्थ के सरफेस से गुजरने वाली एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन जो कि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, जो पैसिफिक ओशन से होते हुए नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, जिसको क्रॉस करने पर आप एक दिन फ्यूचर में या फिर एक दिन पास्ट में जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस ओर से क्रॉस कर रहे हो। नाउ फॉर एग्जांपल, पैसिफिक ओशन के इन दो आइलैंड्स को देखिए, पहला है सामोआ एंड दूसरा है अमेरिकन सामोआ, जो इस लाइन के दो अलग अलग साइड्स पर मौजूद है। अब अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो इन दोनों आइलैंड्स के बीच फ्लाइट से केवल 1 घंटे की दूरी है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों आइलैंड्स के समय में ऑलमोस्ट 24 घंटों का फर्क आ जाता है। जैसे कि अगर आप 2 जनवरी को सुबह के 9 बजे अमेरिकन सामोआ आइलैंड से फ्लाइट लेकर 10 बजे सामोआ पर पहुंचते हो ना, तो अब आपको अपनी घड़ी में पूरे 24 घंटे ऐड करने होंगे, यानी जब आप सामोआ में उतरेंगे तो आप 2 जनवरी को नहीं बल्कि 3 जनवरी को उतरेंगे। ठीक वहीं पर अगर आप सामोआ आइलैंड से 2 जनवरी को अमेरिकन सामोआ की ओर जाते हैं, तब आप केवल 15 मिनट सफर के बाद ही एक दिन पीछे यानी कि 1 जनवरी को सामोआ में उतरेंगे। नाउ डोंट वरी, ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है बल्कि ये कमाल है इस लाइन का। लेकिन आखिर इस एक लाइन को क्रॉस करने से समय में इतना डिफरेंस क्रिएट क्यों हो रहा है, और आखिर इस लाइन को बनाया किसने है, और ये 180 डिग्री सीधे होने के बजाय इतना ज्यादा अजीब क्यों दिखता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए स्पेस एंड ज्योग्राफी के काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को काफी सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप में से काफी सारे लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे हमें काफी मदद मिलती है, और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि हमें मदद मिल जाए आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। वेल तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट टाइम्स पर डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अर्थ के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग समय पर रात और दिन होता रहता है। नाउ 18 सेंचुरी से पहले तक इस टाइम के डिफरेंस को टैकल करने के लिए अलग अलग एम्पायर्स ने उनके ज्योग्राफिक लोकेशन से जाने वाली लॉन्गिट्यूड लाइन को मेरिडियन यानी कि मध्यान्ह रेखा मानते हुए अपने अलग अलग टाइम जोन्स बनाए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, रोम, ब्रिटिश पेरिस, जेरूसलम, पीटर्सबर्ग एंड ओस्लो, इन सब में टाइम की कैलकुलेशन इनकी ज्योग्राफी से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग होती थी। पर समय के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के बीच ट्रेड रिलेशंस डेवलप होने लगे ना, तब दुनिया को एक यूनिवर्सल मेरिडियन लाइन की जरूरत महसूस हुई। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो पृथ्वी को बराबर टाइम जोन्स में डिवाइड करने का आइडिया 1876 में स्कॉटिश इंजीनियर सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि कनाडा रेलवे सिस्टम को डिजाइन करने पर काम कर रहे थे। अब उस समय कनाडा एक पूरी कंट्री नहीं थी, बल्कि उसमें यूरोप के अलग अलग एम्पायर्स ने कब्जा किया हुआ था और सब अपने अकॉर्डिंग टाइम को मेजर किया करते थे। इसलिए सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग ने कनाडा के रेलवे रूट को एफिशिएंट बनाने और रूट पर अलग अलग टाइम जोन से आने वाली ट्रेन्स को सही से मैनेज करने के लिए अर्थ को टोटल 24 जोन्स में डिवाइड करने का आइडिया दुनिया के सामने रखा, जिनका कहना था कि क्योंकि अर्थ एक 360 डिग्री स्फीयर है, इसलिए उसे 15-15 डिग्रीज वाइड जोन्स में डिवाइड करते हुए टोटल 24 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि इस तरह से इन जोन्स का टाइम एक यूनिवर्सल मेरिडियन लाइन को सेंटर मानते हुए मेजर किया जा सकता है। यानी अब हमें पता था कि टाइम जोन्स कैसे अप्लाई करने हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि आखिर किस मेरिडियन लाइन को केंद्र माना जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि इस समय दुनिया पर अलग अलग एम्पायर्स का राज था और हर एम्पायर की खुद की मेरिडियन लाइन थी जिसे वो सेंटर माना करते थे। एंड एज एक्सपेक्टेड, ये डिसीजन लिया गया उस समय के सबसे पावरफुल एम्पायर्स द्वारा, जिसमें प्रोमिनेंट नाम था द ब्रिटिश एम्पायर। तो देखो, साल 1852 से ही ब्रिटेन में ग्रीनविच टाउन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को ही ब्रिटिश एम्पायर की स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन माना जाता था। एंड क्योंकि इस समय यूके इस दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर होल्ड करता था, जिसकी नेवी दुनिया के हर महासागर में फैली हुई थी, और ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर इस स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को अर्थ सेंटर मानते हुए टाइम को मेजर एंड उसी के बेसिस पर दूसरी दुनिया से ट्रेड कर रही थी, यानी अनऑफिशियल अभी भी दुनिया का मेजर पार्ट यूके के ग्रीनविच मीन टाइम को ही फॉलो कर रहा था।
लेकिन इसे ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस दिलाने का काम किया अमेरिका ने। तो देखो साल 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 26 देश के साथ मिलकर इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसका मकसद ही था एक सिंगल प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को स्टैब्लिश करना। और यहाँ पर यूके का इतना इन्फ्लुएंस था कि आसानी से इन 26 देशों ने यूके के ग्रीनविच से गुजरने वाली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन एक्सेप्ट कर लिया। और तब से लेकर आज तक इसी लाइन को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हुए पूरी दुनिया में टाइम का मेजरमेंट किया जाता है। और इसी प्राइमरी लाइन से 24 आवर टाइम कीपिंग स्टार्ट होता है, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT कहते हैं। और देखो, कई लोग तो अब ग्रीनविच में खास इसीलिए घूमने जाते हैं ताकि वो इस रॉयल ऑब्जर्वेटरी में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर खड़े होकर तस्वीरें ले सके, क्योंकि इस तरह से वो एक ही समय पर दोनों हेमिस्फीयर में होते हैं। तो दोस्तों, साल 1884 को इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के थर्ड रेजोल्यूशन के तौर पर यह एस्टैब्लिश किया गया कि मेरिडियन की यह अर्थ के स्फीयर से जाने वाली लाइन के वेस्ट की ओर जाने पर नेक्स्ट जोन में एंटर्स करने पर उसमें से 1 घंटा माइनस कर दिया जाएगा। और अगर हम 0 डिग्री मेरिडियन लाइन से ईस्ट की ओर ट्रैवल करते हैं ना, तब हर जोन में एंटर करने पर हमें 1 घंटा प्लस करना होगा। नाउ आपको यहाँ पर एक और बात याद दिला देता हूँ कि हमने अर्थ को 15-15 डिग्रीज के टोटल 24 जोन्स में डिवाइड किया है, जो जोन्स मेरिडियन लाइन से शुरू होती है, जिनमें मेडिटेरियन लाइन के वेस्ट में 12 जोन्स और मेडिटेरियन लाइन के ईस्ट में 12 जोन्स हैं। और जहां पर आकर ये दोनों 12-12 जोन्स मिलते हैं, उसे हम IDL यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और ये मेरिडियन लाइन के बाद ना हमारी ज्योग्राफी में दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक ऐसी लाइन जहां से आपको दोबारा से 24 आवर की काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी, वो भी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि आप किस डायरेक्शन से इस लाइन को पार करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट से ईस्ट की ओर क्रॉस करते हैं ना, तो आपको अपनी घड़ी में से एक दिन यानी कि 24 घंटे घटाने होंगे, जबकि अगर आप इस लाइन को ईस्ट से वेस्ट की ओर क्रॉस करते हो, तब आपको अपनी घड़ी में 24 आवर्स को जोड़ने होंगे। अब इस तरह से ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, अच्छे से समझने के लिए चलिए मैप पर चलते हैं। तो ये है यूके, जिसके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को सेंटर मानते हुए टाइम जोन काउंटिंग की शुरुआत होती है। अब मान लीजिए आप यूके से अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक फ्लाइट लेते हैं। अब जब आप कैलिफोर्निया में उतरते हैं ना, तो आपके टाइम में आखिर कितना डिफरेंस होगा? वेल, बिल्कुल सिंपल है। तो चूंकि कैलिफोर्निया यूके से 8 टाइम जोन्स वेस्ट में है ना, तो आपको यूके के टाइम से सिंपली 8 घंटे माइनस करने होंगे। यानी अगर यूके में रात के 9 बज रहे हैं, तो कैलिफोर्निया में दोपहर के 1 बज रहे होंगे। तो चलिए अभी इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और आइडियल लाइन को भी अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। अब मान लेते हैं कि आप कैलिफोर्निया से होकर पैसिफिक ओशियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते हुए इंडिया तक आते हो। अब इंडिया और कैलिफोर्निया के टाइम में कितना डिफरेंस होगा? तो टेक्निकली देखा जाए तो कैलिफोर्निया से इंडिया तक आने में हम 11 टाइम जोन्स वेस्ट की ओर ट्रैवल करते हैं। यानी कैलिफोर्निया में संडे को रात के 9 बज रहे हैं ना, तो अब इनमें से 11 घंटे माइनस कर देंगे तो फिर हमें सही टाइम मिल जाएगा, है कि नहीं? जो कि है 10 o'clock इन द मॉर्निंग ऑफ संडे, राइट? वेल, रॉन्ग। क्योंकि इफ यू फॉरगेट, हमने यहां तक आने में IDL लाइन को भी क्रॉस किया, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को भी क्रॉस किया है। एंड क्योंकि इंडिया IDL के वेस्ट में मौजूद है, यानी हम इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट से वेस्ट की ओर आए हैं, इसलिए हमें अपने टाइम कैलकुलेशन में 24 घंटे ऐड करने होंगे, यानी 10 AM संडे में 24 आवर्स प्लस करने होंगे, जिसके बाद हमें टाइम मिलता है 10 o'clock इन द मॉर्निंग ऑफ मंडे, और यही है हमारा एक्चुअल टाइम। और अगर आपने यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान से देखी है ना, तो आप समझ गए होंगे कि इंडिया और सैन फ्रांसिस्को में ऑलमोस्ट 13 घंटे का फर्क है। इंडिया का टाइम एक्चुअल में सैन फ्रांसिस्को से 13 घंटे आगे है। अच्छा, यहाँ पर ना एक पर्सनल एग्जांपल लेते हैं एंड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो रिसेंटली हमने अपने अंतरिक्ष टीवी चैनल पर फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट मिस्टर आशीष रंजन के साथ 9 AM मॉर्निंग 26 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस के एक दिन बाद, एक ऑनलाइन पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, जिन्होंने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट से हमें ज्वाइन किया था। एंड क्योंकि कैलिफोर्निया और इंडिया के टाइम में पूरा 13 टाइम जोन्स का डिफरेंस है, इसीलिए आशीष सर हमें एक्चुअल में क्रिसमस के शाम को यानी 25 दिसंबर को हमसे 13 घंटे पीछे शाम के 7 बजे ज्वाइन किया था। यानी एक ही समय पर बात करते हुए भी हम अलग अलग टाइम्स और अलग अलग दिनों में थे, और इन सब का कारण है ये लाइन। वैसे ये लाइन काफी वियर्ड दिखती है
है ना। आई मीन आपके दिमाग में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर मेरिडियल लाइन की तरह ये 180 डिग्री स्ट्रेट क्यों नहीं है, आखिर ये इतनी अजीब क्यों दिखती है। तो चलिए इसका जवाब भी जानते हैं। वेल देखो, इसकी कहानी भी वॉशिंगटन 1884 से ही जुड़ी हुई है। तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ग्रीनविच टाउन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाले 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन करने का प्रस्ताव किया गया, तो उस समय अर्थ को 12-12 के ब्लॉक्स में बांटा गया था और ये सभी जोन्स जहां पर आके मिल रहे थे उसे इंटरनेशनल डेट लाइन नाम दिया गया। लेकिन ये एक नो बाइंडिंग एग्रीमेंट था, यानी देश चाहे तो आइडियल लाइन को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और यही कारण बना इस लाइन की इस वियर्ड शेप का। तो देखो, आइडियल लाइन पैसिफिक ओशियन में कई देशों से गुजरती थी, जिन कंट्रीज ने अपने बाउंड्रीज, ट्रेड्स और दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस में आकर टाइम टू टाइम इस आइडियल लाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट करवाया। इंटरनेशनल डेट लाइन रिकॉग्निशन के बाद इसमें सबसे बड़ा चेंज हुआ था रशिया और अमेरिका द्वारा। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैप पर जाए तो हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल से आइडियल लाइन सीधे आते हुए इन दो स्मॉल आइलैंड्स पर आकर एक शार्प टर्न लेती है, क्योंकि इन दोनों आइलैंड्स पर अलग अलग कंट्रीज का अधिकार है। इसके राइट वाला ये आइलैंड है बिग डायोमीड आइलैंड, जो कि रशिया के कंट्रोल में है, जबकि इससे केवल 3 किलोमीटर दूर मौजूद ये आइलैंड लिटिल डायोमीड है, जिस पर अमेरिका का कंट्रोल है। अब देखने में ग्राफिकली ये काफी पास है, लेकिन इन दोनों कंट्रीज में आइडियल लाइन को इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि ये दोनों आइडियल के अलग अलग साइड पर है, जिसके चलते इन दोनों के टाइम में ऑलमोस्ट एक दिन का फर्क है। इसके बाद ये लाइन एक और बड़ा शार्प टर्न लेते हुए अमेरिका के एलुएंटियन आइलैंड को रशिया से अलग टाइम जोन्स में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर से ये लाइन कुछ हजार किलोमीटर तक स्ट्रेट जाती है, लेकिन फिर इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलता है, बिल्कुल एक हथौड़े जैसी शेप का। और इस बदलाव का कारण है किरीबाती नाम का पैसिफिक आइलैंड वाला ये कंट्री, जिसके पास पैसिफिक ओशन में फैले टोटल 33 आइलैंड्स मौजूद है। साल 1921 से 1994 तक आइडियल लाइन इस कंट्री के कई आइलैंड से बिल्कुल बीच से जाते हुए इस कंट्री को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करती थी, जिसके कारण इस एक कंट्री में ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी के बाद अलग अलग आइलैंड्स पर 24 घंटों का फर्क आ जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू द CIA's वर्ल्ड फैक्ट बुक, उस समय इस कंट्री को टाइम डिफरेंस के चलते पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा था, जिसके बाद इस कंट्री ने साल 1995 में आइडियल लाइन को इस तरह से मूव करवाया कि इस कंट्री के सारे आइलैंड्स आइडियल लाइन के वेस्ट की ओर आ गए, जिससे इनका टाइम डिफरेंस तो खत्म हुआ ही, साथ ही साथ अब इनका टाइम जोन उनके सबसे पास की कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया और चीन के टाइम जोन से काफी ज्यादा करीब आ चुका था, जिसके चलते ये आसानी से एक दूसरे से ट्रेड कर सकते थे। किरीबाती से आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं कि अभी भी ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, बल्कि लॉन्गिट्यूड लाइन के पैरेलल है, जिसका कारण अगेन अमेरिका है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन इस तरह से चलते हुए दो कंट्री आइलैंड्स को सेपरेट करती है, जिसमें पहली कंट्री सामोआ, जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और दूसरा है अमेरिकन सामोआ, जो कि एक अमेरिकन कंट्रोल्ड टापू है। ये कुछ उन आइलैंड्स में से एक है जहाँ आज भी अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। और इसके बाद भी ये लाइन स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के पैरेलल चलती है, और इस तरह से ये लाइन यहाँ पर टोंगा, कर्माटेक आइलैंड एंड न्यूजीलैंड कंट्री को भी आइडियल के ईस्ट की ओर बनाए रखती है, जिसके बाद ये लाइन दोबारा से एक टर्न लेती है और इसके बाद सीधा लॉन्गिट्यूड के साथ 180 डिग्री होकर साउथ पोल अंटार्कटिका पर मेरिडियन लाइन से जाकर मिल जाती है, और इस तरह से मिलती है हमें ये वियर्ड से दिखने वाली इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे देखो होना तो कुछ इस तरह से चाहिए था, पर ये एक्चुअल में बन गई कुछ इस तरह की। वैसे दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या अमेरिका की तरह इंडिया को भी अपनी कंट्री में सूरज की बेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम जोन्स को अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री के बीचों बीच से एक लाइन पार होती है जो हमारी कंट्री को दो डिफरेंट टाइम जोन्स में बांट देती है, लेकिन हम इन दोनों डिफरेंट टाइम जोन्स के बीच का टाइम पकड़ते हैं, जिसके कारण ईस्टर्न से वेस्टर्न पॉइंट पर ना इंडिया को काफी नुकसान होता ही है। वैसे आपका इस पर क्या सुझाव है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।